ओहो राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, बाइट बाइट, एक कुछ सवाल पूछ लाइट तो दो, राकेश जी कुछ सवाल पूछने थे आपसे। जी बोलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू फिल्म विंडो, कैसे हो आप? मेरी हालत देख रहे हो, आदिल ने मुझे इतना स्ट्रेस दिया है, इतना स्ट्रेस दिया है, मेरे सारे बाल झड़ गए स्ट्रेस में। एक तो मेरी माँ गई, माँ के जाने के बाद आदिल जेल गए, फिर मेरी दोस्त गई, 8 साल की दोस्त थी, फिर शर्लिन गई, और आदिल ने मेरे सारे पैसे ले लिए, मुझे बैंकक्रप्ट कर दिया। स्ट्रेस में मेरे बाल झड़ गए, तो आज मेरे बाल कटवा दिए। वैसे आपने बाल तो कटवाए, वो लुक तो काफ़ी आप पे सूट हो रहा है, देखा जाए तो सूट हो रहा है। यस, कुछ न्यू लुक लग रहा है आप पे, अब लाइक हैपनिंग धीरे धीरे आप वापस हो जाएगा, लोगों के ऊपर दुख का थोड़ा पहाड़ टूटता है, तो उस तरीके से आप पे भी टूटा है। दुख का पहाड़ टूट गया है मेरे पे, मेरे बाल पूरे झड़ गए, कोई ऐसी दवा मिल जाए जो मेरे बाल वापस आ जाए। जरूर आएंगे। अच्छा, हाल ही में आप उमरा करके आए हो, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, उस बारे में आप शेयर करना चाहोगे? उमरा करके आई हूँ तो मैं बहुत शांत पावन धरती पर पाक जगह पे गई, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली मुझे। मैं लकी हूँ कि मुझे उमरा जाने में कहीं ना कहीं आदिल का हाथ है। आदिल का कैसे? ना उसे निकाह होता, ना मैं मुस्लिम होती, ना मैं उमरा जा पाती, ना इस्लाम कबूल करती। तो आप लोग का कुछ ऐसा प्लान भी था, आप बता रहे थे कि मैं और आदिल जाने वाले। आदिल और मेरा पूरा प्लान था, आदिल ने मुझे कहा था कि मैं सारी जिंदगी साथ निभाऊंगा, आदिल ने कहा था कि उमरा साथ जाएंगे, बच्चे करेंगे, मरते दम तक साथ निभाऊंगा। तुम मेरे लिए जेवर बेच रही हो, तुम मेरे लिए अपने FD इंश्योरेंस के पैसे दे रही हो, मैं एक एक पैसा लौटा दूंगा, मैं तुम्हें पलकों में रखूंगा। हमारे मुस्लिम में औरतों को दुख नहीं दिया जाता। आदिल ने एक भी वादा नहीं निभाया, एक भी वादा नहीं निभाया। अल्लाह, आदिल ने पूरी कोशिश करी कि वो मुझे मार डाले, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं पागल हो जाऊँ। मैं बिग बॉस मराठी में गई, माँ को मार दिया रे, मेरी माँ को मार दिया। वो पैसा जो 10 लाख रुपए मैंने उसको दिया था कि मेरी माँ का इलाज करना, क्योंकि मुझे मालूम है जब भी मैं बिग बॉस में जाती हूँ मेरी माँ को अटैक आता है या पैरालाइज होता है या कुछ होता है, मेरी माँ को माँ में चली गई वक्त पे। अगर मेरी माँ की सर्जरी हुई होती ना आदिल, वो मेरा पैसा, तुम लड़कियों में अय्याशियों में तुमने मेरे पैसे उड़ा दिए, होटलों में दूसरी लड़कियों के साथ सोने में, उनको गिफ्ट करने में, या अल्लाह कहा आप। मेरी भाभी मेरे भाई फ़ोन करते रह गए, मेरी भाभी मेरे भाई गरीब है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं पैसा आदिल को देकर गई थी। क्योंकि जब मैं यहाँ रहती हूँ ना, जब से मैं काम धंधा कर रही हूँ, तब से मेरी माँ के ऑपरेशन पे ऑपरेशन में करता है करते आ रही, जितना मैं कमाती हूँ सब मैं ऑपरेशन में जाती। अगर उस टाइम पे आदिल मेरे ही पैसे मेरी माँ कोमा जाने से पहले दे देते मेरे भाई भाभी को डॉक्टर के लिए, कुछ 3-4 लाख रुपया खर्च था। मेरी भाभी जो है फ़ोन कर करके थक गई, लेकिन वो 31st नाइट को उसके वो जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ डांस कर रहा था, याशियाँ कर रहा था, और बीच में मैसूर पुलिस आके उसको लेकर गई थी, 2-3 दिन जेल में रखा था मैसूर पुलिस ने उस वक्त। राखी जी आप पे लाइक उसके चक्कर में मेरी माँ मर गई यार, मैं कहाँ जाऊँ?